बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले देख लीजिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है। किस लेवल पे ज्यादती हो रही है हमारे लोगों के साथ। पहले ही पता नहीं कितने हज़ारों लाखों खानदानों ने इतनी महंगी होने की वजह से कुर्बानी के जानवर ही नहीं लिए हैं। लोग हिस्सा भी नहीं डाल पा रहे हैं। जिन लोगों ने जैसे तैसे जानवर लिए उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। देखें, यह है बकरा नॉर्मल साइज़ का, दो दांत का। इसकी कटवाई जो चल रही है मार्केट में, इसको कसाई मांग रहे हैं इसके पहले दिन 10,000, 12,000, 13,000, और जो अनाड़ी कसाइयों मांग रहे हैं 7,000 रुपये। जबकि हमने कमेले के कसाइयों को जो अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस बार बकरे की कटाई का, वही आपके सामने 1500 रुपये। ये स्पेशल कसाई है। जबकि कसाई अगर आप नॉर्मल दिनों में भी कटवाते हैं तो वो तो खाल के बदले काट देते थे। ज्यादती हो रही है यार, कौन 12,000 रुपये देगा। लोग मुश्किल से 25,000 रुपये बकरे लाएं, आप 700-800 रुपये कटाई ले लो, 1,000 रुपये कटाई ले लो। 1500 में तो हमने ठेका दिया है जो इस वक्त स्पेशल कमेले कसाई। आप किस खाते में 12,000 रुपये मांग रहे हो। अब आगे आइए, ये छोटी गाय, बंदे की हाइट जितनी है, ठीक है, सीधी करो गर्दन इसकी, ये छोटी गाय कहलाती है, सही है। तकरीबन 3-4 मन इसमें गोश्त निकलता है। इसकी कटाई देखें, हमने जो दी है वो ये दी है 6,500 रुपये। कितनी मांगे जा रहे हैं इसकी कटाई आपके ख्याल में? 30,000 रुपये ईद के पहले दिन। ये कहाँ का इंसाफ है। आए अब मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी गाय। ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिब्बी का बैल है। इधर आए, ये मेरी हाइट और ये जानवर है, आगे आओ। ये रही इसकी कटाई 13,000 रुपये। इसकी कटाई जो थोड़ा सा भी बड़ा जानवर है, जो इस बछिया से थोड़ा सा भी बड़ा है, उसकी कटाई मांगी जा रही है 45,000 से 80,000 रुपये। ये कहाँ का इंसाफ है यार, कितनी बड़ी जाती है। आ जाए मंडी का सबसे मशहूर जो कैटल फार्म वाला है शाहिद भाई, जो ऊँट पालता है, उसका सबसे खूबसूरत ऊँट है ये, सबसे बड़ा बहुत हैवी ऊँट है। इधर आओ, ऊँट की कटाई 7,500 रुपये। और हमारे पास कम से कम 100-150 ऊँट कटते हैं। कमेले के कसाई 7,500 रुपये मांग रहे हैं सिंगल ऊँट का। आप किस खाते में ऊँट की कटाई मांग रहे हो 70-70,000 रुपये भाई? तो ये रेट बताना बहुत ज़रूरी है आवाम को, कि अगर पहले दिन नहीं मिल पा रहा आपको कसाई, कोशिश कर लें दिन में ढूंढ लें, शाम में ढूंढ लें, लेकिन ज्यादती का शिकार ना हो। आप अगर 80,000 का कटवाएंगे तो वो बेचारी फैमिली जिसने जैसे तैसे पैसे जमा करके जानवर लिए, उसको भी फिर ये 6,500 वाली गाय की कटाई उसको देनी पड़ेगी आपके 40-45,000 रुपये। तो भाई हमारे पास ईद के तीनों दिन है, किसी के हाथों ब्लैकमेल ना हो, किसी के भी हाथों ब्लैकमेल ना हो। मैंने वो रेट बताए जो ठेका हमने भी दिया है और कमेले के कसाइयों को दिया है। वो बड़े से बड़ा जानवर बगैर रस्सी बांधे गिराते हैं, इतने एक्सपर्ट हैं। मेरे पास ये पापा मौजूद हैं, आपा इधर हैं, क्या सोच रही हैं बताएं, लोगों को क्या मैसेज देंगी? पर भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बात पे, और बड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से, जिन जो लोग इसकी ज़बी करते हैं, काटते हैं, खुदा के लिए रहम करें। इतनी मुश्किल से लोगों ने जानवर ख़रीदे हैं, इतनी मुश्किल से अपनी जेबों को इधर उधर से करके इस काबिल किया है कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। तो जो लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी करने जा रहे हैं, आप लोग रहम करें, अपने रेट कम करें और लोगों को इस काबिल। एक और बात बताऊँ, जहाँ तक मेरी मालूमात में, हो सकता है गलत हो, जो कमेले में सारा साल जानवर कटते हैं ना सरकार के पास, पता है गाय बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, हाथी जितनी